नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा मगज और कलौंजी आप लोग बड़े आसानी से घर में उगा सकते हैं। तो चलिए आप लोग बताते हैं किस तरीके से आप लोग उगा सकते हैं मगज और कलौंजी। और चलिए तो आप लोग दिखाते हैं कैसे आप लोग उगाना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर मिट्टी ली है और इसमें मिट्टी और खाद दोनों मिक्स हैं। गंडा खाद ली हो रही हमारी कलौंजी। हाँ जी, जो कलौंजी होती है वो ही है, ये कलौंजी है और इसको आप बहुत ही आसान है लगाना है। देखिए, हमने जो मिट्टी गोबर खाद मिक्स है इसमें मिट्टी के अंदर, ये हमने कलौंजी डाल दी। जो कलौंजी का बीज होता है, आप कोई भी बीज ले आना कलौंजी का, आपको ज़रूरी नहीं है आप जो कलौंजी खाते हैं वही कलौंजी आप उगा सकते हैं। आप जो कलौंजी खाने के लिए लेके आए हैं वही कलौंजी आप उगा सकते हैं। और ये मगज, मगज भी आप कोई भी ले सकते हैं, जो मगज आप लेके आए हैं दुकान से वही मगज इसमें उगा सकते हैं, अलग से बीज ले आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने मगज डाल दिया, बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी मिट्टी डाल देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, आपको बताएंगे पहले हम मिट्टी देते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें क्या नहीं करना है, तो आपके बराबर रहेंगे ना पेड़ मर जाते हैं इसलिए बहुत जल्दी। ये हमने जो मिट्टी खाद मिक्स था ये डाल दिया और ये हमने पानी डाल दिया। खास करके जब हम पानी देंगे तो पानी हमारे लिए पहले दिन हमने अच्छे से पानी दे देना है, फिर दो दिन के बाद में पानी देना है और उसके बाद में इसको रेगुलर पानी देंगे। लेकिन जब ये उगने लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा होने के कारण ये गलने लग जाता है। और मेरे पेड़ तो बहुत सारे जो है इसमें से गिलहरी खा गई है, बट बहुत ही ये देखिए मगज के पेड़ और ये हमारी कलौंजी के पेड़, ये रहे कलौंजी, इस साइड में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो कलौंजी के हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं वो मगज के हैं। ये हमारे बिल्कुल उग चुके हैं इस तरीके से, ये देखिए। और इसको करीब करीब 15 दिन में ये हमारे इस तरीके से हो गए हैं पेड़। और आगे आप लोग दिखाएंगे, तो ये वीडियो अभी बना दिया मैंने, तो आगे आप लोग बताएंगे। देखिए कितने प्यारे पेड़ हो गए हैं। और इसको बस जो जहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं कलौंजी के पेड़, उसमें से थोड़े थोड़े निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और ज़्यादा पेड़ होने से वो ग्रो नहीं होते हैं, तो पेड़ बहुत दूर दूर होने चाहिए। मगज के पेड़ भी हम इसमें से निकाल देंगे एक दो, तो ग्रो हो जाएंगे। बस हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ये देखिए, हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, मैं मेथी आलू ये बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इनके वन बाई वन हमें वीडियो दूंगा कि कैसे हमने लगाए हैं। ये देखिए हमारे सारे उग रहे हैं। और ये सौंफ के पेड़, तो हम इसका वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देख लेना, सौंफ के पेड़ का वीडियो हमने डाला है कैसे लगाई हमने सौंफ, ये देखिए। और यहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, तो इनका भी हम आपको वीडियो बहुत जल्दी देंगे। ये देखिए, ये वही है मगज और उसका है स्टार्टिंग बना के वीडियो था। और ये हमारा उसका पेड़ है, ये देखिए। और ये मेन चीज़ इसमें लगी है जो हम आप लोगों को जल्दी वीडियो देंगे, सही हो जाएगा। ये लहसुन भी हमारा बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, और गेंदे का फूल और इलायची का पेड़, इसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ इलायची के वीडियो का, कैसे हमने लगाया है। हमारे पास दो तीन पेड़ उग गए इसके इलायची के, ये देखिए उग रहे हैं अभी। ये टमाटर, तो इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। और ये हमारा है सरसों है, ये देखिए इलायची का पेड़ ये लगा, प्याज उग रही है यहाँ पे। बस तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू आप लोग, लिंक मिल जाएगी हमारे तीनों चैनल की, जाकर चेक कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।